ठीक ठीक है, है, इसमें बाकी जो parts है वो मैं separately उसकी videos बना लूंगा बट tenses इसमें जो चीजें है जो मैंने previous batch को पढ़ाई है लेकिन उसमें मजीद मैं कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहता था टू क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस और क्यूरीज थी कि उसे एड्रेस करना बहुत जरूरी था और आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है में मिस्टेक है उसको एड्रेस करनाट इज ऑफ एट मोस्ट इम्पोर्टेंस क्योंकि जब तक आपको टेंसेज नहीं आएगी बेस इज एक्चुअली सो यू वॉन्ट बी एबल टू लाइक राइट प्रॉपरली एंड करेक्ट एक्सप्रेशन सो देट्स वाई डिस लेक्चर एक्सक्लूसिवली इट शुड बी ऑन टेंसिस ओनली सो लेट स्टार्ट दिस पहले हम इसके जस्ट जनरल रूल्स पढ़ेंगे जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं इन आवर स्कूल एंड कॉलेज उसके बाद हम टूवर्ड द एडवांस लेवल के किस तरह इस टेंसेज को हमने यूज़ करना है कहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ होगा सो टोटल थ्री टेंसेज है ज़माने है वक्त है जो कि प्रेजेंट है पास्ट एंड फ्यूचर इट इज़ देन सब डिवाइडेड इन फोर टेंसेज जिसमें एंडिफिनिट है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव है परफेक्ट है एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट है। सो so, हम स्टार्ट करते हैं विद द सिंपल मैकेनिज्म के। फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट टेंस प्रेजेंट एंड सो किसी भी लाइक like, एक सेंटेंस में जिसकी सेंस बनती है उसमें इट देयर शुड बी सब्जेक्ट फाइल कौन है लाइक हु इज वर्किंग डूइंग समथिंग और इसके बाद प्रेडिकेट है या उसका जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस so सो से हमें पता चलता है कि कौन सा जमाना है ठीक है लाइक ही स्लीप्स सो ही इज द सब्जेक्ट एंड स्लीप इज समथिंग दैट इज ही इज डूइंग स्लीपिंग सो ही स्लीप्स इट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इट इज अ सेंटेंस ठीक है सो नाउ स्टार्टिंग दिस प्रेजेंट एंड डेफिनेट या सिंपल टेंस so but, uh, काफी लोगों को ये clear होगा basic rules but just for the beginners I want to like केस पर हम थोड़ा सा time लगाए उसके बाद we will go towards our main topic so यहाँ पर इसमें subject का subject के साथ first form of the verb use होता है but जो subjects है specific subject singular like he है या कोई नाम है like अहमद अली आयशा so it's a singular subject इसके अलावा शी इट है और आई इज आल्सो सिंगुलर जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन उसके साथ हम वी डोंट यूज एस या एस विद द वर्ब लाइक हम कहते हैं आई डू शी डज ठीक है आई डू शी डज सो यहाँ पर एस या एस हम लगाते हैं आई प्ले शी प्लेज सो इसको आपने जहन में रखना है अक्सर हमसे सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट में मसला होता है वो हम प्रेजेंट एंड डिफिनेट एक्सेसिवली यूज़ करते हैं बट वहाँ पर एस सी आई एस का इजाफा नहीं करते जो कि चाहिए होता है वी ट्राई टू राइट लेंथी सेंटेंसेस और उसको मैनेज करना हमारे लिए इस वजह से मुश्किल होता है कि उसको जो रूल्स को अपने प्रीवियस वो उसके पार्ट से देखना है वो हम नहीं करते है. कि हम सिंगुलर की बात कर रहे थे प्लूरल की अगर मैं ये कहूँ कि कंट्रीज़ सॉरी uh, uh, हाँ इसी तरह कहें कि कंट्रीज सफ़र या पाकिस्तान सफ़र अ लॉस ऑफ थर्टी बिलियन डॉलर्स इन द प्रीवियस फ्लड्स पाकिस्तान सफ़र अ लॉस ऑफ सो दिस इज़ इन करेक्ट सेंटेंस पाकिस्तान सफर और यही गलती हमसे नॉर्मली इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन में होती है सो so, इसकी तरफ आपने ध्यान देना है कि कौन से वर्ब के साथ या सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ एस या एस का इजाफा करना है सो so, एस या एस जो है वो नॉर्मली वर्ब के साथ आता है लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसकी एंड में ओ आ जाता है या सी एच या एस एच सो वहाँ पर वी यूज़ ई एस ठीक है सो इस पर आपने ध्यान देना है बाकी इसकी नेगेटिव हम लिखते हैं ही डज नॉट आई डू नॉट पाकिस्तान डज नॉट ठीक है द वर्ल्ड डू नॉट जब हम डिफरेंट दि, वो की परस्पेक्टिव में बात करें ठीक है द गवर्नमेंट डज नाट पब्लिक डू नाट वॉन्ट दिस सो इस किस्म के वो मैंने बाकी करेक्शन में आपको प्रीवियस टू लेक्चर में समझाई है कि कौन से आप सिंगुलर लेंगे कौन से प्लूरल सो so, इस पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है सो डू नॉट एंड डज नॉट इसमें आएगा यानी जिसके साथ जिस सब्जेक्ट के साथ हम एस या एस लगाते हैं वहां पर डज नॉट और उसके बाद जो वर्ब है उसके साथ एस या एस आप नहीं लगाएंगे लाइक ही डज नॉट प्ले क्रिकेट हम इस तरह नहीं कहेंगे कि ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट ठीक है ये एक मिस्टेक होगी और आई डू नॉट प्ले क्रिकेट सो दिस इज फाइन डज पाकिस्तान वॉन्ट दिस

ठीक है यहाँ कुछ सेंटेंसेस है कि कैलेट से अली दफ्तर जाता है दीज सेंटेंसेस कुछ ऐसे लाइक इसकी प्रॉपर यूज वो डिफरेंट होती है लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए वो सिम्पल सेंटेंस कि किस तरह हम इसका जुमला बनाएंगे ठीक है सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल के अली टू ऑफिस तो वर्क मदर मेक्स ब्रेकफास्ट हम नॉर्मली इसको उर्दू से एसोसिएट करते हैं या किसी लैंग्वेज से इसको एसोसिएट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी बैकग्राउंड इस तरह है सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट तुम क्रिकेट खेलते हो यू प्ले क्रिकेट सूरज मगरब से मगरब में गुरूब होता है द सन सेट्स इन द वेस्ट ठीक है वन ऑब्जेक्ट है एंड दैट इज सेट्स सो ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि थोड़ी सी क्लियरिटी हो फिर उसके बाद है सिंपल पास्ट या पास्ट एंड डिफिनेट सो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी इसकी यूजेज मैं बता दूंगा इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट जो प्रेजेंट सिंपल प्रजेंट है और सिंपल पास्ट ये हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और एक फ्यूचर सॉरी प्रजेंट परफेक्ट सो ये जो है टेंसेज ये हम राइटिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं इस पर आप ज़्यादा ध्यान दें सो so इसल पास्ट uh, में पास्ट सिंपल में पास्ट डिफिनेट में इसमें हम सेकेंड फॉम ऑफ द वर्ड यूज़ करते हैं नेगेटिव में डेड नाट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड Intrigative में भी did did he work? फिर हम work नहीं लिखेंगे. He worked. Did he work? He did not work. He didn't work. So इस तरह हम इसको simply cover कर सकते हैं. Now the ये इसकी जोंले हमने इमरे we played the match. We did not play the match. Did we play the match? ठीक है? Now इसके बाद future indefinite tense. फ्यूचर इंडिनेट टेंस इसमें वेल एंड शल हम यूज करते हैं आज कल तो बिल्कुल शल का इस्तेमाल वो खत्म हो चुका है एंड बाकी जो सब्जेक्ट है प्रोनाउंस है उसके साथ हम वेल यूज करते हैं लाइक आई शल ड्राइव स्टूडेंट्स स्टूडेंट विल नॉट रिंग द बिल विल ही ड्राइव द बस बस की स्पेलिंग क्या लिखी है ठीक है so सो आई एंड uh, वी के साथ शेल बाकी के साथ वेल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ये हम जल्दी खत्म करते हैं ये जो बेसिक रूल्स हैं अच्छा इसके बाद नाउ वी आर कमिंग टू वर्ड कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंसेज कि कोई काम जारी हो कोई एक्टिविटी जारी हो सो so, उसमें प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर हम डिस्कस करते हैं सो प्रेजेंट कंटिन्यूज में कोई काम अभी जारी है सो उसके लिए हम लिखते हैं इट इज़ रेनिंग ठीक है raining, या यू आर कमिंग कोई काम अभी जारी है ठीक है सो प्रेजेंट कंटीन्यूज में इज आर एम इज़ हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूस का वर्ड आ जाए इसके लिए हम जो उर्दू में यूज़ करते हैं वो रहा है रही है इस किस्म के अल्फाज आते हैं लाइक like हम जब उर्दू से ट्रांसलेट करते हैं सो नॉर्मली यू हैव टू लाइक कीप इन माइंड कि हेल्पिंग वर्ब इसमें काम कौन सा लगेगा और वर्ब uh, के साथ आई एन जी लगता है सो so जो कंटिन्यूस है जितनी भी है चाहे प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर कंटीन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस पास परफेक्ट कंटीन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस उसमें आई एन जी आप लाजमी लगाते हैं वहाँ पर टाइम का जिक्र होता है यहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं होता ठीक है सो so, इस पर आपने ध्यान देना है कि लाइक like, यहाँ पर एग्जाम्पल है ही इज क्राइंग ही इज नॉट क्राइंग इज ही क्राइंग आर दे कमिंग ठीक है आर दे नॉट कमिंग सो इस तरह आप इसके जुमले बनाओगे ये इसके है कि अली पतंग उड़ा नहीं उड़ा रहा अली इज नॉट फ्लाइंग द काइट आई जूट वी एम नॉट लाई स्टार्स आर नॉट शाइनिंग वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज यानी अभी की बात हो रही है जिस टाइम वो लिख रहा है या बोल रहा है सो उस टाइम ये चीजें हो रही है सो इट इज प्रेजेंट टाइम वो कंटिन्यू थी वो एक्टिविटी नाउ द पास वहां पर इज आर एमता यहाँ पर वॉज एंड वर ठीक है ही वॉज वो आपको पता होता है कि इसके साथ कौन सा वॉज आएगा या वर लेकिन दे यू वी इसके साथ वर आता है जो कि प्रनाउंस है सो बेबी वॉज रनिंग बेबी वॉज रनिंग सो इसम के इसके इस्तेमाल है नाउ द नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूज और फ्यूचर कंटिन्यूज के लिए वेल बी शेल बी है लाइक like, वहां पर वेलता फ्यूचर एंड डिफिनेट में यहाँ पर वेल बी शेल बी फिर उससे नेक्स्टेंस टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट

लाइक like यहाँ पर जस्ट हम एक जुमला हम हॉकी खेल रहे होंगे वी शेल बी प्लेइंग वी शेल नॉट बी प्लेइंगल वी बी सेंटेंसेस अच्छा आप परफेक्ट की तरफ आते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता है उसमें हैज एंड हैव लगता है। आई के, के साथ भी हैव लगता है I have. बाकी के साथ हेज़ लगता है और इस इसमें परफेक्ट में, में चूंकि काम मुकम्मल हो चुका है सो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म वो हर टेंस में आएगी लाइक प्रेजेंट परफेक्ट में पास परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट में जिस जमानों का वो जो है टेंसेस का डिफरेंस है कि कब कंप्लीट होगा हुआ है हुआ था कोई काम लाइक अरिज टेकन टी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब

टू फ्यूचर परफेक्ट इस तरह मैंने बताया इसमें well have shall have आता है है और I, के साथ shall आएगा। बाकी सिमिलर है टेंस। अब ये जो है present perfect continuous, so इसमें वहां पर इससे पहले जो टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट सो उसमें has and have था यहाँ पर उसके साथ बीन लगा दोगे इसी तरह उसके लिए भी है पास परफेक्ट में हैड आया था पास परफेक्ट कंटिन्यूज में हैड बिन आएगा फ्यूचर परफेक्ट में वेल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में यू विल यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दर्ब बिन शल ठीक है सो इसके रूल्स इस तरह है कि चूंकि ये इसमें कंटिन्यूज का वर्ड है ये एक काम है वो जारी है ठीक है जारी था जारी है जारी होगा सो so, इसमें एक तो टाइम का जिक्र होता है नॉर्मली और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और यही हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे और स्पेसिफिक टाइम के लिए यू विल यूज सिंस और जो अनस्पेसिफाइड स्पेसिफाइड टाइम हो जस्ट एक अंदाज़ा हो सो यू विल यूज़ फॉर लाइक फॉर टू डेज सॉरी फॉर टू डेज फॉर थ्री मंथ्स ठीक है फॉर मेनी वीक्स और जब इस तरह आएगा सिंस मॉर्निंग सिंस आफ्टरनून सिंस ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जनवरी Since 2019. So, इसमें specified time है, so since आप यूज करेंगे सो so, इसमें बिल्कुल सारे रूल सिमिलर है लाइक हैज़ एंड वहाँ पर थ्री टेंट सिंपल सो ये तीन टेंसेज हमने इसके रूल्स पढ़ लिए लाइक ट्वेल्थ टेंसेज हमने सारे जनरल बेसिक रूल्स हमने पढ़ लिए बट नाउ आई एम कमिंग बैक टू द प्रॉपर यूज ऑफ इट कि इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे ठीक है ये मैंने ऑलरेडी कुछ न कुछ इसका पार्ट वो प्रीवियस दो लेक्चर्स में डिस्कस किया था आई थिंक इन द फर्स्ट लेक्चर जो करेक्शन से रिलेटेड थी बट यहाँ पर इसको हम डिस्कस करते हैं कि प्रिजेंट एंड डिफिनेट टेंस ये हम यूज कब करेंगे लाइक like हम कोई आइडिया एक्सप्रेस करना चाहते सो कब हम ये टेंस यूज करेंगे सो so, ठीक है, सो हम ये टेंस तभी यूज करेंगे जब हम कोई ऐसी बात करें कि जो रेगुलरली हो रही हो या तो कोई साइंटिफिक फैक्ट हो या एक काम रेगुलरली हो रही हो लाइक like हम ये कहे द सन राइज इन ईस्ट वो हर दिन होता है इट इज रेगुलर थिंग एंड थिंग रिकरिंग थिंग ठीक है इसके अलावा बाकी मैंने इसकी एग्जाम्पल दी है कि वाटर बॉयल हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीजिज बिलो ज़ीरोिग्री सेल्सियस सो ये जो है ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं अच्छा आई यूजली गो टू स्कूल ऑन बाई साइकल सो मे लाइक या आई रेगुलरली गो टू स्कूल बाई बस सो मै काम रोजाना कर रहा हूँ रेगुलर कर रहा हूँ सो यू यू विल यूज डिस्टेंस ठीक है समथिंग इज हैिंग रेगुलरली या कोई यूनिवर्सल फैक्ट है कोई साइंटिफिक फैक्ट है जो कि हो रही है या कोई आदत है ही स्मोक्स डेली ठीक है बाकी रोज मैं वही अप्लाई करूंगा जो अभी हमने डिस्कस किए जस्ट इसकी यूजेज में बता रहा हूँ यूनिवर्सल फैक्ट कोई रिकरिंग थिंग्स हो बार बार हो रही हो रेगुलर uh, एक एक्टिविटी हो साइंटिफिक फैक्ट हो सो यू विल यूज दिस टेंस हम ये कह सकते हैं लाइक इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स कि पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब है सो so, पाकिस्तान रिज़ॉर्ट्स टू तो फॉरेन लॉन्स इन द टाइम ऑफ नीड पाकिस्तान यूजुअली रिजॉर्ट्स टू तो फॉरेन लॉन्स या रिज़ॉर्ट्स टू तो आईएमएफ इन द टाइम ऑफ नीड इन द आर ऑफ़ नीड सो so, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान यूजअली ये कर रहा है ये करता रहता है सो समथिंग दैट इज़ हैपनिंग अब एवरी नाउ एंड देन एंड इट इज अ फैक्ट इट इज अ रियालिटी या कोई यूनिवर्सल फैक्ट है कोई साइंटिफिक फैक्ट है कोई रेगुलर एक्टिविटी है जो हो रही है सो यू यूज़ दिस टेंस जो लाइक प्रेजेंट like, में हो रही है ठीक है नाउ कमिंग टू कंटिन्यूस अच्छा हम तरतीब से चलते हैं प्रेजेंट को टैकल कर लेते हैं सो प्रेजेंट समथिंग इज हैपनिंग नाउ। जब आप बात कर रहे हैं या कोई लेट्स से कोई कोई चीज पीस ऑफ राइटिंग लिख रहा है उस उस टाइम कोई काम हो रहा है लेट्स से द बेबी इज वीपिंग सो मींस कि बच्चा उस टाइम रो रहा है प्रेजेंट की बात है ठीक है सो यू विल यूज दिस नाउ सो दिस इज सिंपल इसमें कोई इतनी टेक्निकलिटी है नहीं ठीक है प्रेजेंट कंटीन्यूस हो गया पास्ट कंटीन्यूस फ्यूचर कंटीन्यूस नाउ कमिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट को इसको ज़रा समझे क्योंकि ये कुछ हमसे मिस्टेक्स होती है इसमें एक काम मुकम्मल हो चुका है लेकिन उसमें टाइम का रेफरेंस नहीं है ठीक है एक काम पास में या रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है बट वी डोंट फाइंड एनी रेफरेंस ऑफ इट कि कब कंप्लीट हुआ कब ये काम हुआ लाइक दे हैव बेल्ट द वॉल कि उन्होंने एक दीवार तामीर की लेकिन हमें यह पता नहीं कब उन्होंने तामीर की की थी ये और पास्ट एंड डेफिनेट जो है इसकी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है ये मैंने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें एड्रेस किया है जो ग्रामर का लेक्चर है So, वो भी उसके साथ लाजमी देखें ठीक है अच्छा हम इस टेंस को सेकेंड एक तो ये यूजेज होगी कोई काम रिसेंटली कम्पलीट हो चुका है बट नो विध नो रेफर सेकेंड इसकी जो यूजेज है पास uh, में कंप्लीट हो चुका है कोई काम हो चुका है बस बट उसका अब भी इम्पेक्ट है लाइक like, अगर मैं ये कहूँ आई है माई आर्म So, मतलब कि मेरे कहने का मतलब यह होगा कि मैंने अपना हाथ वो तोड़वा दिया या तोड़ मेरा हाथ टूट गया है सो so, जब मैं ये कहता हूँ इसका मतलब कि अब भी टूट चुका है मेरा हाथ ठीक है सो समथिंग हैव समथिंग पास्ट इवेंट बट इट स्टिल हैव द इम्पैक्ट सो इस टाइम भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूंगा क्योंकि इसका इम्पेक्ट अब भी है रिसेंटली कुछ हुआ है और इसका इम्पैक्ट अब भी है सो so, ये यूजेज इतनी ज़्यादा है नहीं बट जो फर्स्ट वाला है कि कोई काम रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है विद नो रेफरेंस ऑफ टाइम सो यू कैन यूज़ डिस्टेंस यू वेल यूज डिस्टेंस लेकिन अगर कोई लेट से टाइम का जिक्र हो दैन यूज फास्ट एंड डिफिनट वो मैंने ऑलरेडी एड्रेस किया है प्रीवियस वीडियोज़ में सो so, काइंडली इसको एक तरतीब के साथ आप फॉलो करें सो so आपको बेहतर समझ आएगी अच्छा इसके बाद नाउ दी फोर्थ टेंस जो है प्रेजेंट का दैट इज़ परफेक्ट कंटीन्यूस सो परफेक्ट कंटीन्यूस की तरफ हम जाते हैं उसके बाद पास्ट की तरफ आएंगे सो नाउ द परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस लेट्स एक एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई है बट अब भी जारी है यह तभी हम यूज़ करेंगे ठीक है लाइक like अगर मैं ये कहूँ कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस इट हैज बी रेनिंग फॉर थ्री डेज सो मतलब कि रेनिंग जो है वो स्टार्ट हुई है मंडे से या तीन दिनों से लेकिन अब भी जारी है सो मीन्स कि इट इज स्टिल कंटिन्यूंगस एक चीज स्टार्ट हो गई पास में अब भी जारी है we'll use distance. Like अगर मैं ये कहूँ आई हैव बिन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर सेवन ईयर्स सो so, मतलब मैं यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ मैंने रहना स्टार्ट किया ठीक है लेकिन मैं अब भी रह रहा हूँ so we'll अगर कोई कंफ्यूजन हो आप काइंडली उसको नोट करके लास्ट में पूछ सकते हैं नाउ कमिंग बैक टू द जो हमारा टेंस है सेकेंड वाला पास डिफिनेट उसकी तरफ जाते हैं सो पास डिफिनेट टेंस जो है इसकी यूजेज काफी कॉम्प्लीकेटेड है अक्सर इस पर आप मटेरियल भी देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन है कई बुक्स में मैंने खुद देखी है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट है लेकिन मो, मैंने मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है वो लिया है सो इट शोज एक्चुअली दिस टेंस शोज स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट कि उसमें कोई एक्शन हुआ है पास्ट में कोई एक्शन हुआ है ठीक है लेकिन उसमें टाइम का रेफरेंस होता है अगर मैं ये कहूँ अली हेल्प मी येस्टरडे मतलब येस्टरडे का जिक्र है कोई काम पास में हुआ है विद रेफरेंस आई वोक अप एट फाइव ए एम आई वोक एट इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वो मैंने बताया था आई वोक अप एट फाइव ए एम मतलब कि मैं सुबह उठा था वो काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसमें टाइम का रेफरेंस है कि मैं सुबह पाँच बजे उठा अच्छा हम अक्सर देखते हैं लाइक यहाँ पर अगर आप सेंटेंसेस भी देख लें सो इसमें टाइम का जिक्र होता नहीं है लाइक यहाँ पर तो टाइम का जिक्र नहीं है बट ये टेंस यूज़ हुआ है सो अक्सर यह मिस, मिस यूज़ भी हो जाता है लेकिन अक्सर इस तरह होता है कि जिससे हम कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हैं सो दे ऑलरेडी नो कि हम किस टाइम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं लाइक अगर मैं अपने दोस्त से कहूँ कि वी प्लेड द मैच हमने मैच खेला सो उसको पता होगा कि कौन से मैच की बात कर रहा हूँ ठीक है सो so, यहाँ पर ये इशू होता है अक्सर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होते हैं कि इसमें तो टाइम का जिक्र है नहीं सो so, टाइम का जिक्र नहीं है बट टू दर्सन वी आर कम्युनिकेटिंग द आइडिया ही नोज अबाउट द टाइम और द इंसिडेंट या किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं लाइक like अगर मुझसे कोई ये पूछे कि हैव यू मेट योर ब्रदर यस्टरडे मतलब कि उसने यस्टरडे का पूछा कि कल आप अपने भाई से मिले हों सो मैं ये कहूँ यस आई मेट माई ब्रदर सो यहाँ पर तो जिक्र नहीं है इसका कि मैं कब मिला बट उसने जो क्वेश्चन किया था उसके कॉन्टेक्ट से क्लियर हो, हो गया कि आई एम टॉकिंग अबाउट द यस्टरडे की यस्टरडे मैं अपने भाई से मिला यस आई मेट माई ब्रदर देट इज सफिशंट यहाँ पर यस्टरडे लिखने की जरूरत नहीं ओके okay, uh, कुछ ऐसी इसकी जो तीसरी यूज है या लेट्स से सेकेंड यूजेज कह लें सो सेकेंड जो इसकी यूजेज बहुत ज़्यादा होती है एक तो प्रेजेंट एंड डिफिनेट वो मैंने बताया कि किसी आदत के लिए या किसी ऐसी एक्टिविटी जो कि बार बार हो रही हो लाइक आई गो टू माई स्कूल बाई बस डेली ठीक है मैं बस के ज़रिए डेली सो वो एक रेगुलर काम है लेकिन अगर मैं पास्ट के बारे बार में बात करूँ ये सी एस एस की करेक्शन में अक्सर आ जाती है इफ़ आई एम टाकिंग अबाउट द पास्ट समथिंग दैट दैट हैज़ बिन हैपनिंग फ्रीकवेंटली रेगुलरली या कोई आदत थी सो so उसके लिए मैं ये टेंस यूज़ करूँगा लाइक like अगर मैं ये कहूँ कि और उसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज टू है यूज टू मैं ये कहूँ कि वेन आई वॉज अ चाइल्ड मतलब कायम का जिक्र आ गया कि जब मैं छोटा था आई यूज टू प्ले फुटबॉल इन आर्ट ठीक है सो आई यूज टू प्ले कि मैं लाइक like, रेगुलरली ज्यादा खेलता था फुटबॉल सो so, मतलब मैंने पास्ट का जिक्र किया काम जो मैं रेगुलरली या ज्यादा करता था फ्रीक्वेंटली करता था सो देट इज आई मीन एक्सप्रेस थ्रू दिस टेंस पास्ट एंड डिफिनट के पास में कोई आदत है कोई रेगुलर एक्टिविटी है उसके लिए ये टेंस यूज करेंगे अगर प्रेजेंट में कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए प्रेजेंट एंड डिफिनट ठीक है, होप इट इज क्लियर इसके अलावा दूसरे भी इसके यूजेज है लाइक like अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दू केम टू सी मी ही तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको पता होगा या अगर उसके उसको पता नहीं है कि मैं किस टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ सो आई है ही केम टू सी मी इन देट मीटिंग ही केम टू सी मी यस्टरडे ही केम टू सी मी ऑन फ्राइडे सो ये मैं कह सकता हूँ सो so, यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम दूंगा टाइम के बगैर इट विल बी लाइक इनफर्ड फ्राम देंटेंस हमें यह लगेगा कि जो लिसनर है उसको पता है कि किस टाइम या किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं अगर कोई दो सेंटेंसेज एक में टाइम का जिक्र है एक में नहीं है और पास में वो कंप्लीट पास में वो काम हो चुका है सो so, जिसमें टाइम का जिक्र हो देट विल बी एक्सप्रेसड इन पास्ट एंड डिफिनेट और जिसमें टाइम का जिक्र नहीं है पास में कंप्लीट हो चुका है सो इट विल बी एक्सप्रेस इन प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें हैज और है, जोर है वो हम लगाते हैं सो so, ये मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ पर समझाया है प्रीवियस लेक्चर में अच्छा कभी कभी हम लाइक like, कुछ बातें करते हैं कि पास में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये हुआ इस टाइम सो so, एक सीरीज में हम कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं कि ये भी हुआ ये लाइक like अगर uh, एक सेंटेंस है कि येस्टरडे आई uh, अपनी मिसाल नहीं देता ही क्लोज द डोर टर्न द म्यूजिक ऑन एंड स्टार्टेड डांसिंग सो मतलब कि कल की बात हो रही है तीन एक्शन थे ही क्लोज्ड द डोर Turned the music on and started dancing. So मतलब तीन काम थे उस टाइम कम्पलीट हो चुके थे कम, सीरीज of कम्पलीटेड एक्शन थी वो इस टेंस में आप डिस्कस करेंगे ठीक है और बाकी मैंने बता दिया कि इसका थर्ड जो यूजेज़ है वो ये होगा कि रिपीटेटिव पास में कोई एक्शन हो आई यूज टू प्ले द गिटार एंड स्कूल ठीक है सो सो यूल लाइक दिस

कौन कौन से इंस्टेंसेज होंगे या हालात होंगे या किसी चीज को हमने एक्सप्रेस करना है इसको so, तो कौन सी चीज़ है एक इंस्टेंस में हम करेंगे पास्ट चूंकि पास्ट का जिक्र है सो पास्ट में काम कंटिन्यूस था कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इवेंट दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट एट अ पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट के पास्ट में एक पार्टिकुलर टाइम पर एक काम जारी था क्योंकि कंटिन्यूस है ना तो जारी तो हो लाजमी होगा So, एक काम पास में जारी था सोच को एक्सप्रेस करने के लिए लाइक uh, like अगर मैं कि कि वो लिख रही थी जब मैं वहां पहुंचा सो so, मतलब जब मैं वहां पहुंचा सो कौन कौन सा काम जो था जो कंटिन्यूस था डेट वॉज शी वॉज राइटिंग सो मतलब कि एक काम जारी था कि दूसरा काम दो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी दो मैंने जब मैं वहां पहुंचा सो so, यहाँ पर पांच डिफिनेट यूज हुआ कौन सा काम उस टाइम कंटिन्यूज था शी वॉज राइटिंग वेन आई रीच दियर शी वॉज राइटिंग सो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है कि एक काम पास में कंप्लीट हो जाए एक खास इवेंट पर एक खास जगह पर सो ये यूज पास डिफिनेट और कौन सा काम उस टाइम कंटिन्यू था दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस ही वाज राइटिंग लाइक अगर मैं ये कहूँ किसी से पूछूं कि व्हेन यू पास्ट एग्जाम व्हेन यू पास द एग्जाम कि जब आपने एग्जाम पास कर लिया वट फॉर यू थिंकिंग वट फॉर यू थिंक तुम क्या सोच रहे थे सो यहां पर भी हमें वेन यू पास द एग्जाम वट फॉर यू थिंकिंग जब आपने एग्जाम पास किया वो चीज कंप्लीट हो गई वेन यू पास द एग्जाम सो उस टाइम क्या कंटिन्यू था वट फॉर यू थिंकिंग क्या सोच रहे थे सो वी आर टाकिंग अबाउट समथिंग एन एक्टिविटी दैट वॉज गोइंगा आर एट दैट मोमेंट सो so, यहाँ से आपको दो टेंसेस की क्लेरिटी मिल जाती है लेकिन हम नॉर्मली जो है इसमें थर्ड टेंस हम शामिल करते हैं और यही से समझ लेते हैं अच्छा चैट हाँ वुड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वुड तभी यूज़ करेंगे काम जो जस्ट एक टाइम हुआ है लाइक like अगर हम ये कहें कि अगर पाकिस्तान होता वो ऐसा करता ठीक है एफ इट वॉज सो पाकिस्तान वुड डू दिस सो फिर तो ठीक है लेकिन कोई एक्टिविटी रेगुलरली हो रही हो सो देन यू विल यूज यूज टू इंस्टेड ऑफ फूड सो इसकी डिफरेंस इस पर मैं वीडियो बना रहा था बट स्टिल यहाँ पर समझ ले कि वर्ड तभी हम यूज़ करेंगे कि पास में किसी एक्टिविटी का जिक्र हो और वो एक बार हुई हो और यूज्ड टू तो कोई काम आपने बार बार पास्ट में किया हो सो so यूज तो यूज़ टू यूज़ करेंगे ठीक है ओके okay, वेलकम अच्छा आई वो सेइंग कि लेट्स से तीन टेंसेज यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि जब आप एसोसिएट करते हैं टेंसिस को कनेक्ट करते हैं तो आपको बेहतर समझ आती है ठीक है स्क्रीन की तरफ खैर आप ध्यान ना दें नॉट चेंज द स्लाइड्स सो यहाँ पर हम एक दूसरे टेंस को भी क्लियर कर लेते हैं एक हमने क्लियर किया पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट को हम क्लियर करते हैं और इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं बाकी तो इसमें हेड और हेड और थर्ड फॉर्म आएगा आपको पता है सो so लाइक like मैं ये कहू के मैं जब वहां पहुंचा या सिनेमा पहुंचा लेट से जब मैं सिनेमा पहुंचा तो मूवी खत्म हो चुकी थी लाइक like, मूवी जारी नहीं थी अगर जारी थी, थी तो द मूवी वॉज गोइंग ऑन या वो ब्रॉडकास्ट या जो भी उसके लिए प्रॉपर वर्ड होगी लेकिन यहां पर जो है वेन आई रीच दिनेमा यानी खास सिनेमा की बात है सिनेमा द मूवी हैड एंडेड द मूवी हैड एंडेड सो यहाँ पर हमसे काफी मिस्टेक्स होती है जब हम दो पास्ट इवेंट की बात करते हैं सो लेट्स से मे एक लेट मी ट्राई मैंने कभी ये स्क्रीन तो इस तरह यूज किया नहीं है अगर यहाँ से हो सके और हाउ डू आई गेट स्क्रीन लेट से यहाँ पर चले यहाँ यूज कर दिस इज अ टाइम लाइन ठीक है ये हो गया प्रेजेंट ये हो गया पास्ट या ये पास्ट हो गया एक मिनट यहाँ टाइपिंग वगैरह वो नहीं है ना ठीक है ये फ्यूचर दिस इज फ्यूचर दिस इज प्रेजेंट ठीक है बस इस तरह भी है दिस इज पास्ट एक काम हुआ है एंड दिस इज उससे दूर का पास जो है ठीक है दिस इज फर्स्ट पास दिस इज उसे फॉर लाइक जो था फोर बिफोर या जो भी क्या है सो so, यहाँ पर मैं एक बात कर रहा हूँ <coughs> जब मैं एक इवेंट की बात कर रहा हूँ किसी पास्ट की सो लेट्स से फर्स्ट एक्टिविटी की ठीक है काम अभी हुआ उससे पहले क्या कंप्लीट हो चुका था द मूवी हैड एंडेड उससे पहले ही मूवी ख़त्म हो चुकी थी सो so, जब हम इमीजिएट पास्ट की बात करते हैं किसी ऐसे इवेंट की जो हमसे नज़दीक हो नज़दीक का मतलब ये नहीं जिसमें कुछ दिन हो उसमें चाहे हजार साल भी हो लेकिन उससे पहले जो काम हो चुका है उसके लिए आप हेड यूज करेंगे लाइक पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे एंड फॉर हेयर और इमीजियट नेबर जो है जो हम इंसिडेंट हमसे नज़दीक है उससे ज्यादा हमसे नज़दीक है सो यू यू विल यूज पास्ट एंड डिफिनेट जिस तरह मैंने कहा वेन आई रीच देयर वेन आई रीच द सिनेमा द मूवी हेड एंडेड सो इस पर आप लाजमी क्लियर हो अभी से कि जब हम पास्ट परफेक्ट का जिक्र करेंगे हेड वाला जो टेंस है सो so इसके साथ कोई दूसरा टेंस लाजमी होता है और वो होता है पास्ट एंड डिफिनेट। सो आई होप आपको समझ आ गई दिस वॉज अबिट कम्प्लिकेटेड लेकिन अच्छा सो so ये दो टेंसेज यहाँ से क्लियर हो गए कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट एंड डिफिनेट हम किस तरह यूज करेंगे Let me clear it. ठीक है नेक्स्ट वन लेट्स से पास कंटिन्यूस की हम दोबारा बात करते हैं uh, उसकी ऑलरेडी क्लियरिटी आ गई कि जब एक काम हो हो गया उस टाइम अगर कोई काम जारी था तो यू विल यूज पास कंटिन्यूस क्योंकि पास्ट में एक काम जारी था जिस तरह मैंने बताया व्हेन आई पास सॉरी व्हेन यू पास द एग्जाम वट वर यूर फीलिंग्स कि उस टाइम क्या फील कर रहे थे सो so, उस टाइम वो काम जारी था ठीक है इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि वेन आई रीच तेयर शी वॉज राइटिंग सो जब मैं वहां पहुंचा वेन आई रीच देयर शी वॉज राइटिंग तो वहां एक काम जारी था राइटिंग शी वॉज राइटिंग सो यहाँ पर एक काम जारी था और जो ऊपर वाला जो हमने डिस्कस किया कि वेन आई रीच द सिनेमा द मूवी हैड इंडिड सो वहाँ पर एक काम कंप्लीट हो चुका था दूसरे काम से पहले ठीक है सो आई होप ये क्लियर है अब अच्छा बाकी मैंने डिस्कस किया कि पास्ट रिपीटिव एक्शन के लिए यूज टू जिस तरह पूछा गया कि वुड हम यूज कर सकते सो अगर एक काम पास्ट में एक बार हो चुका हो सो यू विल यूज वुड नाउ इसके बाद हम आते हैं पास परफेक्ट कंटिन्यूस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बट स्टिल uh, मजीद इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से मैं ये कहूँ कि ही हैड बीन लिविंग अ मिजरेबल लाइफ सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ आते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस को इसके साथ एसोसिएट करते हैं दूसरे टेंस पास्ट टेंस के साथ

I I I had had been been living living a a poor poor life life for for years years. before I moved to Karachi. So उस टाइम जो थी पाँच साल जो एक चीज कंटिन्यूस थी कि I had been living लिविंग काम कंटिन्यूस थी कितने टाइम के लिए सो so, जब टाइम का जिक्र आ गया सो so, यहाँ पर हमने ये टेंस यूज किया जब पास्ट में वो जो मैंने एग्जाम्पल दी थी आई शी राइटिंग वहां पर एक काम जारी था लेकिन उसमें टाइम का जिक्र नहीं था यहाँ पर जो है एक काम एक खास अरसे के लिए जारी था कि आई हैड बिन लिविंग अ पुअर लाइफ फॉर फाइव ईयर्स बिफोर आई मूव टू कराची सो उसमें दूसरा पार्ट दूसरा पार्ट ये था आई मूव टू कराची सो वो एक काम पास में कम्प्लीट हो चुका है आई मूव ठीक है So, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि इसको एसोसिएट करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ वही जो हमने डिस्कस की व्हेन आई रीच दियर शी वाज राइटिंग सो यहां पर जो है एक्शन कंप्लीट हुआ दूसरा कंटिन्यूस था दूसरा हमने डिस्कस किया लाइक वही के व्हेन यू पास द एग्जाम व्हाट वर योर फीलिंग्स यहाँ भी दो टेंसेस डिस्कस हुए लेकिन पास परफेक्ट कंटिन्यूस अच्छा और तीसरा हमने जो मैंने स्क्रीन पर आपको शो किया कि एक नियर पास्ट है एक फार पास्ट है सो नियर पास्ट के लिए लाइक अब आई रीच सिनेमा ये नियर पास्ट था द मूवी हैड एंडेड यानी उससे पहले मूवी ख़त्म हो चुकी थी सो so यहाँ पर भी दो टेंसेज आ गए कि पास्ट एंड डिफिनेट और पास परफेक्ट अच्छा यहाँ इसके साथ हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे जो अब इंस्टेंट uh, एग्जाम्पल है ऑफ़ पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कि आई हैड बीन लिविंग अ पुअर लाइफ फॉर फाइव ईयर्स बिफोर आई आई वॉज मूविंग या आई हैड मूव्ड सो इस तरह नहीं इसके साथ आप यूज़ करेंगे बिफोर आई मूवड टू कराची सो इसके साथ यू यूज़ द पास्ट एंड ठीक है इस, इसको काइंडली समझ ले ये चारों टेंसेज जो है इसको इस तरह एसोसिएट करके पढ़ ले कि काम खास अरसे के लिए पास्ट में जारी था उसके बाद कोई काम हो गया सो so, मतलब उसके बाद कोई काम हो गया दैट इज़ क्वाइट क्लोज टू अस वो जो जिस तरह मैंने स्केल पर दिखाया वो प्यारा सा स्केल जो मैंने बत, बनाया सो so, जो उसके बाद कोई काम हो चुका है वी विल यूज पास्ट एंड ठीक है आई होप समझ आ गई आपको बाकी अब आते हैं फ्यूचर की तरफ इसमें कोई कन्फ्यूजन है वट विल बी की पास परफेक्ट कंटिन्यूस एफ इट इज़ आस इन उर्दू अच्छा उर्दू में इस किस्म के अंटेंसिस नहीं आते रिस्ट अश्योर्ड ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप अपनी राइटिंग में शामिल करें और उस पर सोचा जा सकता है सो आप फ्यूचर की तरफ आते हैं फ्यूचर एंड डिफिनेट है पहले चले स्क्रीन को छोड़ देते हैं फ्यूचर एंड जो है फ्यूचर एंड डिफिनट हम फ्यूचर कोई काम होगा फ्यूचर में लाइक लेट से हम कहते कि आई शल प्ले दे विल कम ही विल राइट ठीक है सो फ्यूचर में कोई काम होगा सो वील यूज फ्यूचर एंड डिफिनट कि वो आएगा ही विल कम लेकिन हम यहाँ पर ये उर्दू में ट्रांसलेशन ये गलत अप्रोच है कि उर्दू में क्या आएगा वहाँ पर आपने कंटेक्चुअल ट्रांसलेशन करनी और ट्रांसलेशन की अले, लेक्चर में दूंगा सो so, वहां पर दिस क्वेश्चन विल बी रिलेवेंट ठीक है सो फ्यूचर एंड के लिए फ्यूचर में क्या होगा लाइक like जिस तरह प्रेजेंट एंड हमने डिस्कस किया कि एक काम अभी हो रहा है रेगुलरली पास्ट एंड डिफिनट एक काम रेगुलरली हो रहा था इन द पास्ट या विद स्पेसिफिक टाइम कोई काम हुआ है फ्यूचर एंड डिफिनिट में समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर सो यूज दिस टेंस कि फ्यूचर में कुछ होगा अच्छा उसके बाद नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस यानी फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा कंटिन्यू होगा लाइक मैं ये कहूँ कि जब तुम आओ जब तुम आओगे सो सारा दिन वो गेम खेलते रहना वेन यू अराइव यू विल प्ले सॉरी यहां पर पास्ट कंटिन्यूस है इसमें विल बी

काम कर रहा होगा जब हम वहां पहुंचे सो so, यहाँ पर हमने विल बी वर्किंग जो है ये इस टेन से लिया कि कोई काम उस वक्त जारी होगा जब हम वेन वी विल रीच तेयर वेन वी रीच तेर या वेन आई रीचर ठीक है इस तरह कहे वेन आई रीच तेयर ही वेल बी वीपिंग वो रो रहा होगा ठीक है so, सो ये फ्यूचर कंटिन्यूस के उस टाइम फ्यूचर में कौन सा काम जारी होगा जिस तरह पास्ट कंटिन्यूस में कौन सा काम पास्ट में जारी था प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सा काम अब जारी है फ्यूचर कंटिन्यूस में एक चूंकि हम कोई इशारा देंगे लाजमी कि वो रो रहा होगा ही विल भी व्हीपिंग लेकिन कब वेन वी अराइव दियर ही विल बी वीपिंग ठीक है सो उस टाइम सो आई होप इसकी समझ आ गई नाउ द नेक्स्ट वन फ्यूचर परफेक्ट जिस तरह फ्यूचर एंड डिफिनेट में वेल शेल फ्यूचर कंटिन्यूस में वेल बी शल बी यहाँ पर वेल well हैव और चूंकि परफेक्ट है सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये याद रखें सो so इसको जुमले से समझते कि कोई काम फ्यूचर में परफेक्ट होगा कंप्लीट होगा मुकम्मल होगा लाइक like अगर मैं ये कहूँ कि वो जा चुका होगा जब तुम आओगे कि जब तुम आओगे वो जा चुका होगा सो ही विल हैव गन वेन यू अराइव कि जब तुम आओगे वो जा चुका होगा दूसरा सेंटेंस हम लिख सकते हैं द गेस्ट इज कमिंग द गेस्ट इज कमिंग आई शल हैव फिनिश्ड माई होम वर्क बाई देन मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ जब गेस्ट आएंगे द गेस्ट इज कमिंग आई विल हैव सॉरी आई शेल हैव फिनिश्ड माई होम वर्क बाई देन के उस टाइम तक मैं ये काम कम्प्लीट कर चुका हूँ ऊपर ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल दी के आई विल हैव गन यू अराइव आई सॉरी आई विल इतनी यूज इत, इसकी इतनी ज़्यादा हो गई आई के साथ विल की कि वो सबकॉन्शियसली बी आपकी जुबान से निकल जाता है आई के साथ आई एंड वी के साथ आप शल है सो आई शल है जा चुका हूँ वेन यू अराइव जब तुम आओगे आई शल हैन यू अराइव सो यहाँ पर जब तुम आओगे या जब तुम पहुँचो मैं जा चुका हूँ एक काम कंप्लीट फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा ठीक है सो फ्यूचर में जो कंप्लीशन ऑफ द वर्क है इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन दिस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस और अब हम लास्ट टेंस डिस्कस करते हैं दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कि यानी कोई एक्शन है वो मुस्तकबिल में कितने वक्त तक जारी होगा कि कुछ हो जाएगा ठीक है एक लाइक एक्टिविटी एक है कोई काम है वो मुस्तबिल में कितने वक्त तक जारी होगा लेकिन लाइक टाइम का ज़िक्र होगा यहाँ पर कि कोई काम हो जाएगा दूसरा काम हो जाएगा ठीक है लाइक मैं ये कहूँ कि जब मैं चालीस साल का हो जाऊँ तो मुझे लेट्स से पच्चीस साल हो जाएंगे पियानो बजाने में यह सरा। या आप ये कहो कि मैं तीस साल का हो जाऊँ तो मुझे पंद्रह साल की एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगी ठीक है सो मैं ये कहूँ वेन आई टर्न फोर्टी वेन आई टर्न फोर्टी कि मैं फोर्टी क्या हो सो आई शेल प्लेइंग गिटार या पियानो फॉर ट्वेंटी फाइव ईयरस क्या मुझे पच्चीस साल हो जाएंगे लाइक like वो पियानो को या गिटार को बजाने में जब मैं 40 साल का वेन आई टर्न 40, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं जस्ट समझाने के लिए वेन आई टर्न 40, आई शेल हैव I shall have been playing piano for 25 years. So यहाँ से आपको पता लग गया कि काम मुस्तबिल में कितने वक्त तक जारी होगा कि जब एक इवेंट या एक टाइम आ जाएगा यानी मैं जब 40 का हो जाऊँगा वो टाइम आ जाएगा So उस टाइम तक कितने अरसे के लिए कोई काम जारी था सो फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स वो मैंने जिक्र कर दी कि आई शल है पियनो फॉर फोर ट्वेंटी फाइव ईयर्स सो आई होप ये क्लियर है इसकी मजीद भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा और बाकी जो प्रीवियस दो तो लेक्चर्स है यू कैन वॉच दैट इज़ वेल इट इज़ रियली हेल्पफुल और ग्रामर को समझने का यही तरीका है कि आप एग्जाम्पल से सीखें रादर देन के पूरे ओशन में आप गोता लगाएं सो यू डोंट हैव टू डाइव और आप जस्ट एग्जाम्पल से सीखे इधर उधर लाइक बुक्स में देखना वो कन्फ्यूजन है या इंटरनेट पर सर्च करना बट आई है दिस और लाइक like, प्रैक्टिकली आपको जो टेंसेज है उसको एसोसिएट करके मैंने समझा दी सो नाउ आई हैव टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग और देन आई टेक योर क्वेश्चन